उस लाइनिंग में अगर कोई कट आ जाए, कोई सुराख आ जाए, कोई इरोजन आ जाए, कोई अल्सर आ जाए, ठीक है, उसको हम कहेंगे एसिड पेप्टिक डिजीज़। ठीक है, अब ये एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है, मतलब कॉज उस सुराख का, उस अल्सर का कॉज एक नहीं होता, बहुत से कॉजेज से अल्सर बन सकता है। उस पर डिपेंड करते हुए हमने इसको बहुत सारी टाइप्स में डिवाइड किया है।